नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कमलेश संधू। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक न्यू रेसिपी मैक्रोनी मसाला राइस के साथ आई हूँ। हमने राइस की वैरायटी बहुत खाई है, बहुत देखी है, डिफरेंट तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आज जो राइस की आइटम बनाने वाली हूँ उसमें मैं वेज भी इस्तेमाल करूँगी, मैक्रोनी भी इस्तेमाल करूँगी और इसका टेस्ट एकदम न्यू और डिफरेंट होगा। आइए दोस्तों, पहले देखते हैं मैक्रोनी को कैसे उबालना है। ये मैंने पानी रख दिया है उबलने के लिए, पानी मेरा उबल रहा है। ये मेरे पास एक कप मैक्रोनी है और मैं इसको इसमें डाल देती हूँ और इसका उबलने का इंतजार करेंगे। ये मैक्रोनी अब अच्छी तरह पक चुकी है, मैं इसे छानकर पानी अलग करूंगी और इसको टैप वाटर में अच्छी तरह धो दूंगी ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। ये मैंने पानी छानकर इसको निकाल लिया है, ये अभी गरम गरम है और इसको टैप वाटर में भी अच्छी तरह धो दिया था, तो अब इसको ऑयलिंग कर देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं तो ये ठंडी होने के बाद आपस में चिपक जाएंगी। ये हमने ऑयल कर दिया इसको। मैक्रोनी हमारी उबल चुकी है, अब हम राइस तैयार करेंगे। ये एक टेबल स्पून में मक्खन डाल रही हूँ। ये गर्म हो चुका है। ये मेरे एक कप चावल है जो मैंने आधा घंटे से भिगो रखे हैं। मैं अब इनको इसको थोड़ा सा चलाएंगे। अब इसमें हम इसके जो चावल थे, मेरे पास एक कप थे, दो कप मैं इसमें पानी डालूंगी। में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, तो मैंने एक चम्मच के आसपास नमक डाल दिया है। उबलने तक हम फुल फ्लेम पे चलाएंगे, फिर सिंपल कर देंगे और इसे ढक देंगे। दोस्तों, अब हमारे चावल ये उबलने लगे हैं तो हम इसे ढक कर फ्लेम सिम पे करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। अब चावल देखते हैं, हम हमारे चावल तैयार हो चुके होंगे, ये एक बार चेक कर लेते हैं। ये चावल बिल्कुल तैयार है और हमने अब चावल भी तैयार कर दिए हैं, मैक्रोनी भी हमारी तैयार है। अब वेज को तैयार कर लेते हैं। हम अपना मैक्रोनी मसाला राइस तैयार करने के लिए एक चम्मच देसी घी ले लेंगे, टेबल स्पून श्रेडेड ऑनियन हम भून लेंगे इनको। प्याज को हल्का सा भून लिया हमने, अब हम इसमें लंबी कटी हुई शिमला मिर्च डालकर अच्छी तरह भूनेंगे। चम्मच गरम मसाला मिला देंगे। जितनी हमारी सब्जियां हैं उतना ही हम उसी के अनुसार नमक डालेंगे। आधा नींबू का रस डालेंगे, या अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तैयार हैं, इसमें पहले मैं मैक्रोनी डालूंगी। अब चावल डालकर हम मिक्स करेंगे। ध्यान रहे चावल ज्यादा गर्म नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो मिक्स करने से टूट जाएंगे। इसे मिक्स करेंगे ताकि हमारी डिश
प्यारी सी बनके हमें मिले, नहीं तो चावल टूट जाएंगे या मैक्रोनी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें आराम आराम से इसे मिक्स करना है। हमारी डिश बनकर तैयार है, अब इसे सर्व करेंगे। मैक्रोनी मसाला राइस बनकर अब तैयार है, हमने सर्विंग प्लेट में डाल दिए हैं ये, और ऊपर से हम हरे धनिए की पत्तियों से गार्निश करेंगे इसे। देखिए दोस्तों, ये हमारी डिश तैयार हो गई है। मेरी रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखें, खाएं और बताएं कि कैसी रेसिपी मेरी बनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।